हाय, इस लेक्चर में मैं आपको ब्लेंड मटेरियल के बारे में बताऊंगा। मटेरियल एडिटर में आ जाते हैं और ब्लेंड मटेरियल वीरे ब्लेंड मटेरियल सर्च करना है मुझे। ये रहा वीरे ब्लेंड मटेरियल, यहाँ पर डाल देता हूँ। ये इतना सारा कुछ है इसके अंदर, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। और मैं एक वीरे का मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ पर, ये। और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ रेड, और इसको मैं जोड़ देता हूँ बेस मटेरियल में, और इसको छोटा कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और फिर से एक और वीरे मटेरियल लेता हूँ और इसको मैं इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं क्वार्ट वन में डालूँगा। अब मैं इसको इसका अभी होता क्या है इसमें ब्लेंड मटेरियल में कि एक कलर ये है और एक कलर ये है, तो दोनों को मिला करके एक तीसरा कलर ये बन गया है। यहाँ पर ये तीसरा कलर बन गया है। तो ब्लेंड मटेरियल का यही फ़ायदा है कि आप दो कलर मिला करके एक नया कलर बना सकते हैं। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्फीयर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ और चेक करता हूँ रेंडर। तो ये नया कलर आ गया है इसके ऊपर दो कलर मिक्स करने के बाद। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें। एक इमेज ले लेता हूँ मैं मैप में जनरल, और बिटमैप्स में जा करके कोई इमेज, ये वाली इमेज ले लेता, ये ब्लैक वाली ले लेता हूँ इमेज ओपन। और इसको मैं ब्लेंड वन में जोड़ रहा हूँ, ये ब्लेंड वन है ये वाला, यहाँ पर जोड़ दिया है मैंने। ऑटोमेटिक ब्लेंड वन डब में वन में ये ऐड हो गया है। तो कोई बात नहीं, हमारा रिजल्ट अब ऐसा होगा, ये वाला, ये कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा हमारा। और अब मैं रेंडर चेक करता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। पहले तो अप्लाई है ऑलरेडी, अब मैं चेक करता हूँ रेंडर। ये देखिए, मैं स्फीयर को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ इसको। अब मैं चेक करता हूँ रेंडर। ये देखिए, नया जो कलर था वो उस कलर के ऊपर ये डिज़ाइन आ गई है। कैंसिल करता हूँ और भी कुछ चेंजेस करता हूँ इसमें। इसमें ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। इसके रिफ्लेक्ट में मैं कुछ डालूँगा। इसमें जाता हूँ मैप्स में, ये रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट में मैं कुछ डालता हूँ। अगर रे ट्रेस मिल जाता है तो अच्छी बात है, रे ट्रेस इसमें से हट जाता है वैसे। ओ एस एल में देख लेता हूँ या कंपोजिटिंग में देख लेता हूँ, रे ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा इसमें। एनवायरनमेंट में देख लेता हूँ, थोड़ा हैंग हो गया है। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा आ जाता है, बस ये हो गया सही। मैं इसमें ग्रेडियंट डाल देता हूँ और ये जो ब्लू कलर है इसमें कुछ शाइनी इफेक्ट आ जाता है। मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको और रेंडर चेक करता हूँ। ये देखिए, ब्लू जो कलर है इसमें ये शाइनी हो गया है थोड़ा सा, और रिफ्लेक्ट भी होगा ये। अगर एनवायरनमेंट में कुछ होगा तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा। अभी ब्लैक है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी तो मैंने ब्लू में चेंज किया था, अभी मैं इसमें चेंज करता हूँ। ये
ये वाला जो बेस मटेरियल, न्यू मटेरियल जो निकला है, इसमें मैं चेंज करता हूँ। ये वाला जो मटेरियल है इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसमें बम्प मैप में मैं कुछ डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ मैं, या फिर ये सेलुलर है, मैं नॉइज़ डाल देता हूँ। नॉइज़ इसमें जनरल मटेरियल भी है और कंट्रोलर, फ्लोट कंट्रोलर, 0.2 कंट्रोलर, 0.3 कंट्रोलर, 0.4 कंट्रोलर। इसमें मुझे सीन मटेरियल, इसमें मुझे नॉइज़ नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, मैं ये ले लेता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके मैं जनरल मटेरियल में स्केल लाइन मटेरियल, पीरे मटेरियल, नॉइज़ लेना है मुझे, कोई बात नहीं, मैं ये ले लेता हूँ। इसको ही मैं बम्प में डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये कलर, ये यहाँ पर देखिए, ये बम्प भी हो गया है और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं रेंडर चेक करता हूँ। ये बम्प इफेक्ट इस पे आने लगा है, ये देखिए बम्प इफेक्ट इस पे आने लगा है। केवल इसी पर ही आ रहा है, ब्लू पर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्लू अलग से चिपकाया हुआ है, मतलब कि ब्लू अलग ही हो गया है, लेकिन है इसी ऑब्जेक्ट पर। वो ब्लू में शाइनी डाली है और बाकी इस मटेरियल में मैंने बम्प मैप डाला है। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा और आप इससे औसम चीज़ें बना सकते हैं, लाइक बेडरूम की वॉल बना सकते हैं। इतनी शानदार बनेगी कि आप भी बोलेंगे कि क्या बात है। तो बहुत ही अच्छी वॉल बना सकते हैं आप बेडरूम के लिए भी। और ये था ब्लेंड मटेरियल। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले मैंने वीरे का ब्लेंड मटेरियल सर्च करके कि यहाँ पर ड्रैग किया था, और उसके बाद में एक कलर मैंने बेस कलर में मैंने डाला था, और दूसरा मैंने कोट कलर में डाला था, और उसके बाद उसको चेक किया था। उसके बाद मैंने इसमें इसके रिफ्लेक्ट में ग्रेडियंट डाला है, और इस वाले के इस बम्प में मैंने बम्प इफेक्ट डाला है। ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन डिज़ाइन डाली है, डिज़ाइन मैंने बम्प मैप में डाली है। तो ये इसका इफेक्ट ऐसा आ गया है। तो आप भी कुछ 4 5 8 10 तरीके के मटेरियल मिला करके कुछ नया बना सकते हैं। जस्ट ये आपको ट्रेनिंग के पर्पज़ था। आप इससे भी ज़्यादा कुछ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ ये रटना ही है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको समझना है ये सब चीज़ें। तो मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।